तो ये वेपन्स थ्योरी सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें मैं आपके ग्रुप फिफ्थ में पढ़ने वाले वेपन्स 9 mm पिस्टल, VLP, PMF और ग्लॉक पिस्टल, इससे रिलेटेड लेक्चर लूँगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 9 mm पिस्टल से। तो 9 mm पिस्टल का सबसे पहले नाम इसका होता है 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल FNHP, 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल FNHP, जिसमें FNHP का मतलब हो गया फैब्रिक नेशनल हाई पावर। तो ये चूँकि फैब्रिक नेशनल एक कंपनी थी FN, जो बेल्जियन कंपनी है, बेल्जियम कंट्री में एग्जिस्ट करती थी, तो उसने ये पिस्टल जो है 1905 में बनाई थी, तो इसलिए इसका नाम हो गया 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल FNHP। अब आते हैं इसके डाटा के बारे में। तो डाटा में इसका सबसे पहले बोर साइज 9 mm का हो गया, कैलिबर जो जो कारतूस यूज करते हैं, राउंड यूज करते हैं, उसके कार्टेज की लेंथ होती है 19 mm, तो इसलिए होता है 9 mm इंटू 19 mm, 19 mm इसकी कार्टेज की लेंथ हो गई। इसके बाद इसमें राउंड्स इसकी पिस्टल के उस मैगजीन में कितने राउंड्स आते हैं, तो राउंड कैपेसिटी मैगजीन कैपेसिटी होती है 13 राउंड्स की होती है। उसके बाद इसकी कारगर रेंज, तो कारगर रेंज इसकी होती है 20 गज, जिसको आप 18 मीटर्स भी कह सकते हैं, 20 गज या 18 मीटर। अच्छा, अधिकतम रेंज इसकी होती है 50 50 गज, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 6, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 6, और इसके टोटल 3 वेरिएंट बनाए गए थे, जिसको बोलते हैं Mark 1, Mark 2 और Mark 3। इसका कार्य करने का सिद्धांत जो होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, वो होता है शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेशन। इसमें जब आप फायर करते हैं तो हल्का सा रिकॉयल होता है, और उससे जो है आपका खोखा बाहर निकलता है और जो नया राउंड है वो चैम्बर में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेशन। ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन की कैटेगरी का है, इसमें ऑटोमेटिक मोड नहीं होता है, इसमें आपको जब भी गोली मारनी होगी तो आप ट्रिगर को प्रेस करेंगे, तो इसको सेमी ऑटोमेटिक वेपन बोलते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें पिस्टल की जो चाल होती है वो क्या चाल क्या होती है। तो चाल इसमें जैसे आपको इंसास में बताया गया था, वही सेम चाल इसमें भी लागू करती है, जो कि 47 की चाल थी वही चाल इसमें भी लागू करती है। यानी आगे की चाल जो होती है वो होती है कॉक लोड लॉक फायर, आगे की चाल कॉक लोड लॉक फायर, और पीछे की चाल अनलॉक एक्सट्रैक्ट इजेक्ट और फीड, ये आपकी कंप्लीट चाल होगी पिस्टल की। इसके बाद इसमें पिस्टल में सबसे बड़ी कमी है कि उसमें रोकें बहुत पड़ती हैं, जब आपने जब फायरिंग करेंगे तो या फायरिंग की होगी तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि इसमें पिस्टल फायरिंग में रोक बहुत पड़ती है। तो रोकें किस किस तरीके की होती हैं, तो रोक एक तो इसमें होती है मिस फायर, यानी आपका कार्ट जो गोली है उसमें कोई गड़बड़ी है तो इसलिए मिस फायर हो जाता है। दूसरा रोक हो गई आपकी खाली मैगजीन की रोक, मैगजीन जब खाली होती है तो पिस्टल रुक जाती है। तीसरा हो गया अनफिट मैगजीन की रोक, अगर मैगजीन में कोई कमी है, अनफिट है मैगजीन, तो भी पिस्टल रुक जाती है। उसके बाद चौथा होता है आपका लटका राउंड या फिसला राउंड, कुछ राउंड होते हैं जिसमें फायरिंग पिन लगती है फिर भी उसके बाद फायर नहीं करते हैं, तो लटका राउंड या फिसला राउंड बोलते हैं उसके, तो उसकी रोक हो गई। पांचवा हो गया इसमें गलत फीडिंग करने पे रोक लग जाती है, मतलब सही से और जो पिस्टल है आपकी वो लोड नहीं हो पाती है, तो वो होती है गलत फीडिंग की रोक। इसके बाद इसमें फॉल्टी फायरिंग पिन होता है तो उसकी भी रोक लगती है, या पुर्जे इसके गंदे होते हैं तब भी रोक लग जाती है, तो इसमें इस तरीके काफ़ी रोकें आती हैं इसमें। तो ये आप रोकें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मिस फायर, खाली मैगजीन, फिसला या लटका राउंड, अनफिट मैगजीन, गलत फीडिंग, फॉल्टी फायरिंग पिन और गंदे पुर्जे, ये इसकी टोटल इतने तरीके की रोक पड़ती है पिस्टल में। तो बहुत ही ये रिलायबल वेपन नहीं माना जाता है पिस्टल, पिस्टल से बेटर रिवॉल्वर होता है, उसमें रोकें कम पड़ती हैं। फिर फायरिंग पोजीशन इसकी कौन कौन सी होती हैं, शॉर्ट टारगेट है इसमें, जो जो टारगेट होता है वो शॉर्ट बहुत कम दूरी से लिया जाता है, तो उसमें जो फायरिंग पोजीशंस होती हैं इसमें एक आपकी हो गई स्टैंडिंग पोजीशन, फिर उसके बाद होगी पोजीशन विद बोथ हैंड, जिसमें आप दोनों हाथ से पकड़ के फायर करते हैं, एक होती है स्क्वाटिंग पोजीशन, एक होती है बैटल क्राउच पोजीशन, और एक होती है प्रॉन पोजीशन। तो ये 5 तरीके की पोजीशन होती हैं, स्टैंडिंग, बोथ हैंड, स्क्वाटिंग, बैटल क्राउच और प्रॉन पोजीशन। तो ये आपका पिस्टल का ये कंप्लीट करता है लेक्चर। इसके बाद पिस्टल के बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट है VLP। तो VLP जो होता है, VLP
इसको बोलते हैं हम वेरी लाइट पिस्टल, VLP मीन्स वेरी लाइट पिस्टल। अब वेरी लाइट पिस्टल किस लिए यूज आती है, ये बेसिकली सिग्नल देने के पर्पज से होती है। कमांडर का वेपन बोला जाता है, जो भी कमांडर होता है एक दल का उसके पास ये VLP होता है, ये कमांडर का वेपन बोला जाता है। इसे आम एम्यूनिशन फायर नहीं होता है, बल्कि सिग्नल के जो डिफरेंट जो राउंड्स होते हैं वो फायर होते हैं। तो अब VLP का फुल फॉर्म होता है वेरी लाइट पिस्टल। ये तीन तरीके के मार्क्स में आता है, वेरिएंट्स में Mark 3, Mark 4 और Mark 5। ठीक है, बहुत छोटा सा पिस्टल होता है और इसका जो बोर साइज होता है वो होता है 1.095 इंच, 1.095 इंच, ये इसका बोर साइज होता है। फिर इसके जो राउंड जब आप फायर करेंगे तो उसमें रोशनी देने का समय लगभग होता है 9 से 14 सेकंड। अब इसमें आता है, हाँ ये एक और चीज़, वेरी लाइट पिस्टल है ये, ठीक है, और इसके बैरल में ग्रुप्स नहीं होते हैं, इसका बैरल होता है प्लेन। तो ये एक तरीके का क्या है, गन, ठीक है, इसमें ग्रुप्स नहीं होते हैं। इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं 1 इंच पिस्टल, 1 इंच पिस्टल के नाम से भी बुलाया जाता है, VLP या फिर 1 इंच पिस्टल। 1 इंच पिस्टल क्यों, क्योंकि इसका बोर साइज लगभग 1 इंच का होता है, बताया मैंने 1.095 इंच, इसलिए इसको 1 इंच पिस्टल भी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं VLP से, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, ये कमांडर का शस्त्र होता है। दूसरा, इसको कैरी करना आसान होता है, ये इशारा देने के लिए यानी सिग्नल देने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौथा, ये हाई ट्रैजेक्टरी का वेपन है, मतलब इसको ऊंचे पे और ऐसे एंगल पे मारते हैं जिससे हाई ट्रैजेक्टरी पे आपका सिग्नल फायरिंग जो राउंड होता है वो जाता है, तो इसे हाई ट्रैजेक्टरी का वेपन बोलते हैं। फिर ये इसको कंसीलमेंट इसका बहुत आसान होता है, शरीर बहुत छोटा होता है, इसलिए शरीर के किसी भी पार्ट में आप छुपा सकते हैं। इसकी हैंडलिंग बहुत आसान होती है, ठीक है। अब इसमें ये आता है कि इसमें राउंड जो सिग्नलिंग राउंड्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो इसमें राउंड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, एक होता है लाल, एक हरा और सफ़ेद। अब तीनों में अंतर क्या होता है, जो सफ़ेद राउंड होता है वो बाकी दोनों राउंड से थोड़ा सा बड़ा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और एक VLP के साथ 12 सफ़ेद राउंड इशू किया जाते हैं, ठीक है। तो पाउच एम्यूनिशन जैसे आप अन्य वेपन्स में होता है, तो इसमें भी पाउच एम्यूनिशन होता है, इसमें मैगजीन लगती नहीं है, इसमें राउंड्स इशू होते हैं। तो एक VLP के साथ 12 सफ़ेद राउंड यूज होते हैं, दिए जाते हैं। इन सफ़ेद राउंड का जो यूज होता है वो रोशनी के लिए होता है, जैसे मान लिया आपका दल जा रहा है, एक छोटा सा दल जा रहा है कहीं जंगल में कॉम्बिंग करने, तो रोशनी के लिए इसको छोड़ा जाता है, वाइट कलर का जो कार्टेज होता है, इससे आपका जो रास्ता है उसमें रोशनी होती है, कुछ समय के लिए रोशनी होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ता किस तरीके का है, या कोई दुश्मन छुपा तो नहीं है, तो ये देखने के लिए, ये सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। दूसरा राउंड होता है इसमें रेड कलर का, जिसे लाल राउंड बोलते हैं। लाल राउंड जो होता है ये लाल कलर से पेंट होता है। रात में पहचान के लिए इसमें एक उभरा हुआ, इसके पेंदे पे उभरा हुआ एक प्लस का साइन बना होता है, जिसे रात में आप टटोल के इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे सफ़ेद में रात में पहचानने के लिए उसमें W बना होता है, इसमें जो है एक प्लस का साइन बना होता है। फिर ये एक VLP के साथ 4 लाल राउंड इशू किए जाते हैं, जैसे 12 सफ़ेद राउंड थे तो 4 लाल राउंड इशू किए जाते हैं। ये किस क्या सिग्नल देने का इशारा है, ये सिग्नल देने का है कि आगे जो है दुश्मन छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये खतरे का इशारा देता है बाकी के ग्रुप को। तीसरा राउंड होता है ये हरे कलर का होता है, ठीक है, ये हरे कलर का होता है, हरे से पेंट होता है। एक VLP के साथ 3 हरे राउंड इशू होते हैं, तो 12 सफ़ेद, 4 लाल और 3 हरे राउंड एक VLP के साथ इशू किए जाते हैं, ठीक है। ये हरे कलर का पेंट होता है इस पर, और रात में पहचानने के लिए इसके पेंदे पर एक उभरा हुआ ट्रायंगल का निशान होता है, त्रिभुज का निशान होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, किस चीज़ का सिग्नल देता है कि खतरा टल चुका है, यानी सारे दुश्मन मार दिए गए हैं और खतरा नहीं है कोई, तो इसका इशारा देने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब फायरिंग करने का तरीका क्या है, इसमें एक होता है इसमें लो एंगल फायर, एक होता है इसमें हाई एंगल फायर। लो एंगल फायर क्या होता है, 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में फायर किया जाता है, तो ये काफ़ी दूर तक जाता है। और जो हाई एंगल फायर होता है वो 45 से 65 डिग्री पे फायर किया जाता है, तो ये कम दूरी तक जाता है, ठीक है। तो कम दूरी तक जाने के लिए इसका मतलब क्या करेंगे, वाइड राउंड जो फायर होता है वो कम दूरी मतलब हाई एंगल पे फायर करते हैं, तो हाई एंगल फायर ज़्यादा ऊंचा जाएगा और ऊंचे जब ब्लास्ट होगा तो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया VLP वेरी लाइट पिस्टल। अब VLP के अलावा एक और कमांडर का शस्त्र होता है, जिसको बोलते हैं हम PMF।
PMF 13 mm, ये भी सिग्नलिंग के लिए यूज होता है जस्ट लाइक VLP। ये VLP से भी बहुत छोटा है, एक पेन की तरह होता है देखने में, आप लोगों ने शायद देखा हो, पेन की तरह होता है ये ऊपर फिगर भी आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, तो एक पेन की तरह लगता है देखने में, कमांडर का शस्त्र है। और ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्टर पायरोटेक्निक मिनी फ्लेयर, PMF, प्रोजेक्टर पायरोटेक्निक मिनी फ्लेयर 13 mm। ये ARDE पुणे द्वारा बनाया गया है। इसमें भी तीन तरीके के कार्टेज जस्ट लाइक VLP, तीन तरीके के कार्टेज इससे भी फायर किए जाते हैं। एक होता है इल्यूमिनेटिंग कार्टेज जिसको बोलते हैं सफ़ेद, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन। तो सफ़ेद, हरा और लाल, इल्यूमिनेटिंग कार्टेज, रेड कार्टेज, ग्रीन कार्टेज। इसके जनरल डाटा पे अगर आप आएँ तो जनरल डाटा में इसका 13 mm इसका बोर साइज हो गया, लगभग 13 mm। इसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आउटर डायमीटर जो होता है वो 12.65 mm का होता है, इनर डायमीटर जो होता है 10.55 mm का होता है। पेन टाइप इसकी टाइप है, पेन की तरह लगता है देखने में। अब इसमें बारूद कौन से होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद वाला जो कार्टेज होता है उसमें राउंड होता है, उसमें जो है सोडियम नाइट्रेट भरा होता है, लाल वाले में स्ट्रॉन्शियम होता है और हरे में बैरियम सॉल्ट होता है। तो तीन तरीके के कलर देते हैं, तीनों अलग अलग राउंड में अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अच्छा, रात में पहचान के लिए सफ़ेद इल्यूमिनेटिंग राउंड में W बना होता है उभरा हुआ, जिसको आप टटोल के पहचान सकते हैं, लाल में प्लस का साइन उभरा हुआ बना होता है और हरे में ट्रायंगल का साइन बना होता है जस्ट लाइक VLP। इसमें भी ये रात में पहचानने के लिए होता है। अच्छा, इसको जब फायर करते हैं तो ज़मीन से लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक ये राउंड को फायर कर सकता है। विजिबिलिटी इसकी क्या होती है, ये रात में इसकी जो राउंड से रोशनी निकलती है वो रात में 7.5 किलोमीटर तक देखी जा सकती है और दिन में लगभग 3 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। तो ये आपका हो गया PMF।